नागौर नगर परिषद के वर्तमान बोर्ड के गठन के एक वर्ष पूर्ण होने पर रखी गई साधारण सभा में सभापति मितु बोत्रा द्वारा एक वर्ष में करवाए गए करीब 15 करोड़ रुपए के कार्यों का पेश किया गया ब्यौरा। सभापति ने नागौर नगर परिषद के एक साल कार्यकाल को बताया बेमिसाल तथा गिनाई उपलब्धियां, साथ ही अगले 4 साल में शहर के विकास को लेकर प्लान भी किया साझा। शहर में बालवा रोड पर नई टाउनशिप सहित तालाबों और पार्कों के सौंदर्यकरण सहित अन्य कार्यों को जल्द शुरू करने की कही बात। ब्यौरा पेश करने के दौरान कई पार्षदों द्वारा सभापति पर गंभीर आरोप लगाते हुए किया गया हंगामा। एक साल बेमिसाल के स्लोगन पर भी जताई नाराजगी तथा पार्षदों के साथ भेदभाव करने और सभापति के पति द्वारा प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप करने का लगाया आरोप। पार्षद धर्मेंद्र द्वारा एक साल के कार्यकाल को बताया गया भ्रष्टाचार की भेंट, इस बात को लेकर हंगामा हो गया शुरू तथा कई पार्षदों के बीच में आपस में गर्मागर्मी भी देखने को मिली। नगर परिषद आयुक्त श्रवणराम चौधरी ने पार्षदों को शांत करते हुए समझाइश करने की कोशिश। सभापति मितु बोत्रा ने बताया कि शहर के सभी 60 वार्डों में डामर सड़कों सहित अन्य कंक्रीट सड़कों और ग्रेवल सड़कों सहित कई विकास कार्यों को करवाने के साथ साथ पार्कों के निर्माण एवं शमशानों का भी किया गया विकास। पार्षद मुजाहिद ने भी भेदभाव का आरोप लगाते हुए रखी अपनी बात। नगर परिषद आयुक्त ने शहर के विस्तार और विकास को लेकर आगामी वर्क प्लान के तहत अहिछत्रपुर आवासीय योजना की भी दी जानकारी। इस मौके पर नगर परिषद सभापति मितु बोत्रा, उपसभापति सदाकत सुलेमानी, आयुक्त श्रवणराम चौधरी सहित अन्य पार्षदगण रहे मौजूद। साधारण सभा की समाप्ति के बाद पार्षद मुजाहिद और धर्मेंद्र ने सभापति पर गंभीर आरोप लगाते हुए भेदभावपूर्ण नीति की शिकायत। कर्मचारी संघों का इस बैठक में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी के सहयोग से हमने सफलतापूर्वक साल पूरा कर लिया है। आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई हो। हमने जो भी कार्य किए उसका विवरण हम आपको दे रही हूँ। वर्तमान बोर्ड के गठन के पश्चात नगर परिषद नागौर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर एक वर्ष में कराए गए विकास एवं निर्माण कार्यों का विवरण। डामर सड़कों का निर्माण 112.44 लाख, डामर पेच मरम्मत 13.28, कंक्रीट सड़कों का निर्माण 25.64 लाख, ग्रेवल सड़कों का निर्माण 13.72 लाख, सीमेंट सड़कों का निर्माण 395.18 लाख, नाली क्रॉस निर्माण एवं मरम्मत का कार्य 84.96 लाख, नाली निर्माण एवं मरम्मत का कार्य 60.17 लाख, पार्कों का विकास 94.98 लाख, शमशानों का विकास 16.01 लाख, नगर परिषद कार्यालय भवन का विस्तार एवं मरम्मत 18.99 लाख, सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मत 2.96 लाख, रेन बसरों की मरम्मत 3.27 लाख, फेंसिंग कार्य 6.4 लाख, टेरो कवर आपूर्ति एवं फिक्सिंग 27.7 लाख, घरेलू सीवर कनेक्शन 48 लाख, सीवर पाइपलाइन मेन हॉल एवं सफाई 270.95 लाख, तालाबों का विकास एवं सौंदर्यकरण 23.83 लाख, अन्य निर्माण एवं विकास कार्य 108.8 लाख। आगामी दिनों में मुख्यमंत्री जी, पीएलबी अध्यक्ष वित्त आयोग और निदेशक डीएलबी और धनीवाल जी से मिलेंगे ताकि अपना बजट बढ़ सके और विकास कार्यों में प्रगति आए। विकास के कार्य ऐसे ही अनवरत रूप से जारी रहेंगे। आज सवाल जवाब की बात नहीं है, आज सिर्फ सदन के एक साल में विकास कार्य का जवाब मेरे वार्ड में 1569 ए के पट्टे दिए हैं, जिसमें 2 भवन निर्माण स्वीकृति दिलवाई है और 2 कच्ची बस्ती नियमन का है। आप मेरे साथ चलिए, डोर टू डोर मैं सर्वे करा देता हूँ। जो नगर परिषद की रसीद घटती है ना, जो राजस्व, उसके अलावा किसी का एक भी पैसा लगाए ना, तो आप मेरे को बताइए कौन सी सड़क सही है, कौन सी जगह सीवरेज व्यवस्था सही है। आंकड़ों में आप विकास बता रहे हैं पर धरातल पे कहीं कोई विकास नहीं हुआ। Bill.
आपने क्या कहा? आई क्या हुआ? क्या कहा? जो पूछे मेरे नाम क्या कहा? जो पूछे मेरे नाम क्या पूछा? क्या पूछा आपने? किसे पूछा? हाँ मैं बताता हूँ भाई, इन्होंने 3 दिन पहले 4 दिन पहले क्या पूछा था, क्या ये बात कह रहे हैं? पहले तो माइक लीजिए। हो सकता है आपकी पर्सनल पीड़ा हो सकता है आपका विकास ना हुआ हो, मैं उस बात से सहमत हूँ, लेकिन इस सदन के अंदर आप विचार अपने देखिए, नजर घुमा के देखिए, कितने सजल लोग बैठे हैं, और जो आप भाषा का यूज कर रहे हो, इट इज रॉन्ग। उस भाषा मिलेगा मिस्टर? नहीं, आप धर्मेंद्र जी, आप विकास के रोड़े खाने के लिए थोड़ी हो, धर्मेंद्र जी मीटिंग नहीं है, तो आप रख दीजिए मीडिया के सामने, ये लोग इनका प्रोग्राम कर रहे हैं। किसी के, लेकिन ये आपका व्यवहार ठीक नहीं है, और ये कतई इस प्रकार की बातें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा कोई आप कह रहे हैं कि हमने अपने नगर परिषद में जो टेंडर निकाला है विभिन्न वार्डों के, आप मुझे बताइए कि वार्ड नंबर 25 नहीं बताएगा मेरे भाई, ये सिर्फ विचार रखने का कोई जवाब प्रश्न का नहीं है, आप शहर के पास जरूरी मीटिंग थोड़ी है। मैं कह रहा हूँ इस स्लोगन को लिखना चाहिए, एक साल बेमिसाल भ्रष्टाचार, क्योंकि एक साल में ऐसा कोई विकास का कार्य हमने तो देखा नहीं है। नागौर शहर की सड़कें आपसे आपके सामने हैं, पानी की व्यवस्था ले लो, लाइट की व्यवस्था ले लो, शहर में खड्डे पड़े हैं, कोई सीवरेज लाइन की व्यवस्था ले लो, विकास कार्य कहीं भी नहीं हुआ है। अभी पिछले 5-7-10 दिन महीने के अंदर इन्होंने 10-20 रोड लाइटें जरूर लगाई है, उन रोड लाइटों के अंदर भी इन्होंने टेंडर किसको दिया, टेंडर प्रक्रिया रिन्यू की तो किसको वापस से टेंडर दिया, उस टेंडर में एक लाइट की परचेज कीमत जो होती है वो 1200-1800 रुपए की होती है, जो 3500 रुपए में ये परचेज कर रहे हैं, ये अपने मिलने वालों को, रिश्तेदार को किसको दिया है टेंडर, तो उसके बारे में इनसे पूछेंगे, रिटर्न में लेंगे, उसके बाद में आपको मीडिया बंधु को शेयर करेंगे। और जो ये अभी राज्य सरकार की सबसे बड़ी ये योजना चल रही थी प्रशासन शहरों के संग अभियान, इसके अंदर ये आंकड़े बता रहे हैं कि 1000 आवेदन 69K के प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 500 का निस्तारण कर दिया गया है। मैं कहता हूँ कि 2000 से ज़्यादा आवेदन अभी लग रखे हैं और इनमें से इन्होंने 500 का ही निस्तारण किया है। कई पट्टे ऐसे हैं जिनमें आयुक्त साहब के सिग्नेचर हो, जैसे अभी मेरे साथी ने बताया कि एक साल बेमिसाल जो इन्होंने स्लोगन दिया है, मैं कहता हूँ एक साल बेमिसाल नहीं, एक साल बेमिसाल के साथ जो पार्षद है वो बदहाल है और जो जनता है वो बदहाल है, और ये बात रही कि जो सभापति महोदय है उनसे ज़्यादा उनके पति का हस्तक्षेप यहाँ ज़्यादा है, यहाँ तक कि इन्होंने अपना डेकोरम इस स्तर तक ले गए हैं ये कि एक वार्ड के अंदर अगर एक पार्षद एक लाइट के लिए कहता है, सिंगल लाइट के लिए, तो ठेकेदार को जब कहा जाता है यार एक लाइट लगा दो रोड के ऊपर, मेन रोड पे सिटी के अंदर लाइट नहीं है, वो बोलता है कि सभापति महोदय से किलवाओ, सभापति महोदया को कहते हैं तो वो कहते हैं कि वकील साहब से बात करो, यानी उनके पति से, चलो उनसे बात कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी लाइट नहीं लगाई, और जहाँ पर जो इनके साथी पार्षद हैं, जो इनके
सत्ता पक्ष के साथ रहते हैं, जो चाहे सत्ता पक्ष सही करे या गलत उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। उनके अगर जो उनके साथ है इस मामले के अंदर, चाहे वो विकास में हो चाहे भ्रष्टाचार में हो, वो अगर इनके साथ है तो उसके वार्ड में ये काम करवा रहे हैं। अभी इन्होंने यहाँ मीटिंग के अंदर बताया, हमने इतने लाख रुपए का टेंडर किया, इतने लाख रुपए का हमने यह किया। मैं कहता हूँ कि इससे अभी इन्होंने 1 या 1.5 करोड़ का सीवरेज का टेंडर निकाला है, उसको काफ़ी टाइम हो गया, वो सीवरेज का कार्य हो नहीं रहा है। सीमेंट जो ये सीसी सीमेंट का जो कार्य है ये बाकी पड़ा है, जो इन्होंने अपने जहाँ चाहिए वार्ड जो इनके पार्षद है वहाँ पर इन्होंने टेंडर निकाले, हमारे वार्ड में इन्होंने टेंडर नहीं निकाले। आज तक वार्ड नंबर इनको पूछा भी तो इन्होंने मना कर दिया। वार्ड नंबर 32 के अंदर ना तो सड़क का टेंडर हुआ, ना लाइट का हुआ, ना सीवरेज का हुआ। अब इनसे कहते हैं सीवरेज के लिए आप ये जो दिल्ली दरवाजा मेघ वालों का मोहल्ला है यहाँ पर बिल्कुल भी सीवरेज नहीं है, ना नालियाँ बनी है। नालियों के लिए कहा उन्होंने नालियाँ नहीं बनवाई, सीवरेज का कहा नहीं बनवाई। ये विकास का कार्य जो है आप शहर में आप देखो, आज के अखबार में पत्रिका के अंदर एक अखबार में खबर है कि जो लक्ष्मी तारा से जो रोड जा रही है वहाँ पर इतनी टूटी हुई पानी पड़ा है। तो और बाकी जो ये बता रहे हैं हमने माय दरवाजा से दरगाह तक या जो पीछे हॉस्पिटल पुराने हॉस्पिटल के साइड में जो रोड बनाई है, ये राज्य सरकार ने जो भेजे हैं पैसे उनके लिए, उनके पैसों से वो सड़क बन रही है। इन्होंने यहाँ से जो